अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद खान और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। और दिल्ली के आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीधे, ये जामा मस्जिद है पीछे, और यहां पर हम मौजूद हैं। कुछ आप देख सकते हैं, तमाम ये लोग वो लोग हैं जो कुछ पैसे बचाने के लिए यहां होटल के बाहर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। कुछ रिक्शा पुलर हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ बीमार लोग हैं, कुछ भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। ये होटल है और इन होटल ने इंतज़ाम किया हुआ है पर प्लेट के हिसाब से। साहब, यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं ये खाना खाने के लिए, किस तरह के ये मजबूर लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनका परिवार नहीं है, घर नहीं है, उनको अपने माँ बाप के बारे भी नहीं मालूम कि हमारे माँ बाप कौन थे। सड़क पे ही इन लोगों की ज़िंदगी गुजरती है, सड़क पे ही सोना, सड़क पे ही खाना, सारी ज़िंदगी की ज़रूरियात अपनी सब सड़क पर करते हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं है, आईडी इनके पास होती नहीं है। हर आदमी इनको काम नहीं देता। शादी ब्याह होती है मैरिज हॉलों के अंदर, तो वहाँ पर ये जा कर के पलेटें धोते हैं और झाड़ू वगैरह लगाते हैं, खाना सर्व करते हैं। तो डेली इसी इंतज़ार में ये होते हैं कि कोई आए खाना खिलाए। जब इनको काम नहीं मिलता, इनके पास पैसा नहीं होता खाने के लिए, रोटी नहीं होती, ये यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। और जिन लोगों को, गरीबों को खाना खिलाना होता है, वो यहाँ पर आते हैं और हम उनसे जो खाने के पैसे होते हैं, आधे खाने के पैसे वसूल करते हैं। बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमने तकरीबन 125 लोगों को खाना खिलाया है और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। एक हमारा छोटा सब्सक्राइबर है जिसका नाम इलहान है और इलहान का इसी महीने में जन्मदिन है, और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुशाहिद भाई, उनके फैमिली ने, कि हम अपने इस बच्चे के जन्मदिन को कुछ खास बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि 100 लोगों को हम खाना खिलाना चाहते हैं। अभी हमने 125 लोगों को खाना खिलाया और मैं आप दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ इलहान के, आप बड़े होकर एक अच्छे इंसान बने, अपने माँ बाप की खिदमत करें, और जिस तरह से आपके माँ बाप आपकी परवरिश कर रहे हैं, आप भी अपने माँ बाप का ख्याल रखें। आप ढेर सारी लोगों की दुआएं आपके साथ में हैं और आप यूँ ही तरक्की करें। बहुत अच्छा लगा कि आपने एक अच्छा स्टेप लिया कि इस तरह से अपने जन्मदिन को कुछ खास बनाने के लिए। अभी हमने 125 लोगों का खाना खिलाया आपकी तरफ से, और इन 125 लोगों की न जाने किसकी दुआ है जो आपको लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे तरक्की करें, बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और एक अच्छे इंसान बने। बहुत बहुत शुक्रिया।